सभी श्रोताओं को अजय दी वाधवा का एक बार फिर से नमस्कार। आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था मेजर पुनिया का, और उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो आर्मी वाले जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको एक बात बोला जाता है कि तीन चीजों पर हमेशा ध्यान दो, दिल, दिमाग और घुटना। और मेजर पुनिया की ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, क्योंकि मैंने भी एक बार पहले पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ही कहा था। ये हम सब के लेसन है कि जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो तीन चीजों पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि तीन चीजें हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। पहला है दिल। जो मनुष्य का दिल है ये इच्छाएं रखता है, और जब तक आपके दिल में इच्छाएं नहीं होंगी आप उसे पूरा नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले किसी भी चीज को पाने का, अपने लक्ष्य को, अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जीवन में, जो हमारे गोल हैं, उनको पाने की इच्छा होनी चाहिए। हम जब ऊपर वाले के पास जाते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, तो कौन सी इच्छा, हमें भगवान को बतानी पड़ती है, हमें भगवान को बताना पड़ता है कि भगवान ये इच्छा। इसीलिए दिल जरूरी है, और दिल में इच्छाएं होनी चाहिए, और तभी इच्छाएं होंगी तभी हम उनको पाने के लिए मेहनत करेंगे, और हो सकता है फिर हम सफल भी होंगे, हो सकता नहीं बल्कि पक्का होंगे। तो दिल में इच्छा होनी चाहिए, दिल में दूसरे के लिए दर्द होना चाहिए, दिल में लोगों के लिए प्यार होना चाहिए, दिल में बड़ों के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में देश से प्यार होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ भी देख कर सकते हैं, कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। दिल में हमारे इच्छा के साथ साथ बहुत कुछ होना चाहिए, और दिल हमारा। और आजकल तो लोग बोलते हैं कि भारत में, मैं कुछ दिन पहले किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि भारत में दिल की बीमारियां बहुत फैल रही हैं। भारतीय जो हैं वो सबसे पहले हार्ट अटैक और दूसरा कैंसर से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए दिल का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। दिल स्वस्थ रहेगा तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है दिमाग। दिमाग है कि ये हमें दिल ने इच्छा व्यक्त की और उसको पाने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे अपने गोल को पाना है, कैसे जीवन में सफल होना है, कैसे लोगों से रिलेशन बनाना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे नाम कमाना है, कैसे देश सेवा करनी है, जीवन में पाने के लिए, कुछ पाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, ये सब दिमाग डिसाइड करता है। तो दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं है, अगर दिमाग हमारा कमजोर है, या उम्र के साथ साथ दिमाग हमारा सुस्त पड़ता जा रहा है, तो हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि लोग हमें फिर वैल्यू भी नहीं देंगे, बोलेंगे वो बुद्धिमान नहीं है। जो लोग दिमाग से तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी समाज में बहुत इज्जत होती है। तो दिमाग को भी हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि सजग रहे। इसके लिए आजकल लोग बोलते हैं, जैसे मेरी उम्र हो रही है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप उम्र होने लगे 40-45 से ऊपर आप जाने लगे, तो आप दिमाग को एक्सरसाइज करवाएं। बल्कि हमारे एक पुराने CMD थे, वो कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कार में खुद चलाऊं, क्योंकि क्या होता है कि रांची की सड़कों पर ट्रैफिक काफी भरा रहता है। अब को रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, बाइक वाला बगल से गुजरेगा, रॉन्ग साइड से आपको की कट मारेगा, तो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो अलर्ट रहते हैं, तो गाड़ी चला के दिमाग को हम अलर्ट रखते हैं। इसलिए मैं गाड़ी चलाता हूँ रिटायरमेंट के बाद भी। कुछ लोग सुडोकू खेलते हैं, वर्क पहेली सॉल्व करते हैं, या और ये सब के गेम खेलते हैं, ये खेलना चाहिए ताकि दिमाग हमारा अलर्ट रहे। अगर दिमाग हमारा बैठ गया, अगर दिमाग ने सोचना कम कर दिया, या दिमाग से याददाश्त चली गई, तो हम किसी काम के नहीं है। तो दिल के बाद दूसरा दिमाग, और तीसरा है घुटना। घुटना एक सिंबॉलिक वर्ड है। बेसिकली घुटने का मतलब होता है जीवन में चलना, कुछ करते रहना, यानी शारीरिक रूप से मजबूत रहना। कई बार हमने देखा है कि लोगों की एज होती है तो लोग बोलते हैं कि हमारे घुटने जवाब दे रहे, हम नहीं चल पाते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, दौड़ नहीं पाते, वॉक नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि जब उम्र थी तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं की। दूसरा, अगर हमारा घुटना मजबूत रहे, घुटना एक मैंने पहले का एक सिंबॉलिक है, अगर घुटना मजबूत है कहने का मतलब अगर शरीर मजबूत है, शरीर स्वस्थ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने फौजा सिंह का नाम सुना होगा, ब्रिटेन के थे, वो 100 साल की उम्र तक वो लंबी रेस दौड़ते थे, वो मैराथन दौड़ने की कोशिश करते थे। तो जो हमारे अभी मिल्खा सिंह, जिनके भी हाल में ही मृत्यु हुई है, वो हमारे देश के बहुत नामी एथलीट थे, वो 90 साल के करीब करीब तक भी वो फिजिकली पूरे फिट थे। तो फिजिकल फिटनेस, घुटना मजबूत होने का मतलब फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली हमारा मजबूत हैं, तभी हम अपना ध्यान भी रख पाएंगे, परिवार का ध्यान भी रख पाएंगे, समाज का ध्यान भी रख पाएंगे, देश का ध्यान भी रख पाएंगे। और हम फिजिकली फिट रहेंगे तो बीमारियां नहीं रहेंगी, तो घर में खर्चे भी कम होंगे, घर हम अपने परिवार की रक्षा भी कर पाएंगे, और बल्कि कुछ पैसे, कितनी भी उम्र हो जाए, कुछ पैसे कमा भी पाएंगे। तो हमें इन तीन चीजों पर, यंगस्टर जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आप अभी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तीन चीजों को हमेशा अलर्ट रखिएगा, दिल, दिमाग और घुटना, और फिर सफलता, जो मुझे 3 Idiots का डायलॉग हमेशा याद आता है, सफलता कहां जाएगी, झक मार के हमारे पास ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।